येस वी आर लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे, सो फ्रेंड जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम्स की। और यहाँ पे जो आज हमारा सेशन है वो होगा स्पेशल EVS पैडागोगी। जी हाँ, और देखो यहाँ पे जो है आपके लेंथी क्वेश्चंस भी प्लस थोड़े जो है ईजी क्वेश्चंस भी होंगे, है ना, दोनों मिक्सचर होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो है हम 50 MCQs करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सेशन में 50 MCQs करते हैं और 50 MCQs करेंगे। और देखो हर एक MCQs में 4 ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा एंड लास्ट तक बने रहना बिल्कुल। चलिए देखो EVS पैडागोगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है और यहाँ पे जो है पार्ट ये 9 है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 8 आपको ये EVS पैडागोगी के पार्ट कंप्लीट करा दी। जिस फ्रेंड्स ने वो सारे पार्ट्स नहीं देखे तो आप फटाफट जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट को चेक करें और सारे पार्ट्स को कंप्लीट देख सकते हैं। बाय शिवानी सिंह। सो चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो स्क्रीन पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और जो स्क्रीन पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका है असेसमेंट के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ कथन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बिल्कुल करेक्ट राइट जो कथन होगा ना वो चूज करना है। और ये क्वेश्चन से स्पेशल EVS NCERT और ये है जो है आपका हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन से। चलो तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे देखो इनके बारे में 4 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। नीचे फिर यहाँ पर जो है आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि इसमें जो है कौन कौन से करेक्ट हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हाथी के बारे में कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स सही है और कौन से पॉइंट्स गलत है। जो सही है उन पॉइंट्स को यहाँ पे जो है आप फटाफट बताइएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलो, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल ये सही बात है। जो हाथी होते हैं ना ये जो है गंदले पानी में बहुत ही खेलना पसंद करते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर होता है ना इन्हें जो है अपने शरीर को इनमें खेलने से गंदले पानी में क्या मिलती है, काफी ठंडक फील होती है। इसलिए ये जो है हाथी यहाँ पर गंदले पानी में खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों हुआ रॉन्ग, क्यों हुआ बताओ, क्या इसमें दिक्कत है? मैं बताती हूँ, बिल्कुल सब्र रखिए। देखो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम नहीं करता बल्कि 2 से 4 घंटे ही। कैसे? सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही ये सोता है, 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, आराम करता है। ज़्यादा ही आराम यहाँ पे नहीं करते जो हाथी होते हैं। 10 घंटे नहीं सोते, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना है। इसलिए ये पॉइंट्स क्या हुआ यहाँ पे, रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन तो कट हो गया, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात है। जो 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है ना उसका वजन, वेट की बात करें तो लगभग 200 किलोग्राम यहाँ पर होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर ऑप्शन की बात करें, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती झाड़ियाँ खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पर हमारा 4B ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जो अधिकांश बड़े हाथी होते हैं ना एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती झाड़ियाँ खा लेते। और आप सबको पता भी होगा कि इनका जो एक झुंड होता है उसमें जो है उसकी जो यहाँ पे लीडर होती है कौन होती है, मादा हथिनी होती है। कौन होती है? मादा हथिनी होती है। और उस झुंड में जो है मादा जो हथिनियाँ होती है वो रहती है और यहाँ पे जो है आपके 12 से 14 साल तक के क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं इसमें। इतनी बात क्लियर है। सो यहाँ पर देखो सही आंसर इसका क्या होगा, देखो फर्स्ट और यहाँ पे जो है थर्ड और फोर्थ ये जो ऑप्शन से सही है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट सही है, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो सी ऑप्शन है ना हमारा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बी ऑप्शन से कट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 10 घंटे दे दिया जबकि 10 घंटे नहीं 2 से 4 घंटे ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है हाथी सोते हैं, ज़्यादा ये आराम यहाँ पे जो है नहीं करते। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। और देखो लेंथी क्वेश्चन है और इसी तरीके के MCQs आपसे। और बिल्कुल देखो ये जो है हाथी हुआ है ना, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ, ये जो है आपके एग्जाम्स में स्पेशल पूछे जाते हैं स्पेशल सीटेट की EVS NCERT से। ये MCQs बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के। चलो
आगे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका मधुबनी चित्रकला के बारे में भी आपको सही कथन का क्या करना है यहाँ पे जो है चयन करना है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चूज करते हैं। आइए यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके सामने डी ऑप्शन को पहले अच्छे से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है एंड कौन से ऑप्शन रॉन्ग है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो मधुबनी चित्रकला होती है तो इनको बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके हम जो है इसकी चित्रकारी यहाँ पर करते हैं। यानी कि ए जो ऑप्शन होगा ना हमारा बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो बी ऑप्शन को देखिए। इन चित्रों में जो है इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो मधुबनी चित्रकला है इनके चित्र में जो है इंसान भी दिखाए जाते हैं, जानवर के भी बने होते हैं, है ना, पेड़, फूल, पंछी यहाँ पे और जो है मछलियाँ ये भी यहाँ पे जो है दिखाए जाते हैं, यानी कि बनाए रखते हैं इसमें जो ये चित्रकला करते हैं। सो बी भी सही है, ए भी सही है। सी की बात करें, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम साहयिका नामक स्थान का नाम पे इस पर है। बिल्कुल ये जो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि बात करें ए और बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में। अगर यहाँ पर हम फोर ऑप्शन को देखें कि यह राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध, नहीं बिल्कुल रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? अगर आपको पता है इसके बारे में बिल्कुल सारे पॉइंट्स अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल याद करो मधुबनी जो चित्रकला है कहाँ पर है। आप बोलोगे मैम ये राजस्थान में कहाँ हुआ, गलत हुआ, कहाँ पर है? जी हाँ बताओ यह बिहार में। कहाँ पर है? यह बिहार में। तो बस यहाँ पर जो है राजस्थान दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जबकि जो मधुबनी चित्रकला है कहाँ पर है? बिहार में है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन को कट कर दो, बाकी ए बी और सी देख लो किस ऑप्शन में और क्या है लगा दो। ए बी और सी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है ये राजस्थान स्टेट का नाम गलत दे दिया, वरना तो बिल्कुल क्या होता यहाँ पे करेक्ट होता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये जो आप थर्ड क्वेश्चंस देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और काफ़ी जो है अच्छे से बिल्कुल देखो सारे क्वेश्चंस हम बढ़िया इंटरेस्ट के थ्रू एंड बिल्कुल बढ़िया जो है हंसते मुस्कुराते सही से क्लासेस को करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन से, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी हो सकता है शक्करखोरा है, तुलचिड़ी है, फाकता है, फिर कौवा है। कोई पक्षी है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला, भाई कोई पक्षी है बेचारा और वो जो है बहुत ही मेहनत करता है और पेड़ की ऊंची डाल पर, कहाँ पर? पेड़ की ऊंची डाल पर क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है, तो उस पक्षी का क्या नाम है? यह कौन सा पक्षी है? बिल्कुल कौन सा पक्षी है? वो है कौवा, क्रो। कौन सा पक्षी है? कौवा है, क्रो। और एक देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है देखो, जो कोयल है ना, कोयल कौन है? जो कोयल है यहाँ पर, कोयल जो है देखो, कौवा तो मेहनत करता है, कौवा क्या करता है? मेहनत करता है और मेहनत करके ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन कोयल कितनी शातिर होती है कि इनके घोंसले में ही आकर अपने अंडे देती है और फिर बेचारा रहा कौवा, ये अपने अंडों के साथ साथ में कोयल के भी अंडे को सहता है, तो वो देखो भाई मुफ्त की रोटी तोड़ रही है कोयल। चलो आगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आप फोर क्वेश्चंस देख रहे हैं ये क्वेश्चंस आपका हर बार जो है सीटेट के एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, बिल्कुल बेहतरीन होगा ये, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आपका, बहुत ही एकदम गजब का क्वेश्चन है। देखो पोचमपल्ली एक गांव है ना, पोचमपल्ली क्या है? एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए बहुत ही फेमस है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है? बस ये बताना है, पोचमपल्ली एक गाँव है और पोचमपल्ली में जो है एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ पे अच्छे अच्छे डिजाइन वाली साड़ियाँ भी जो है मिलती है, तो यहाँ पर जो है इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। क्या? पोचमपल्ली भी कहते हैं। तो यह गांव बस ये बताना है कि भारत के किस स्टेट में है। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा है कि पोचमपल्ली का जो यहाँ पे स्थान है वो किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि जो पोचमपल्ली है वो किस राज्य का क्या है भाग है। तो देखो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? पोचमपल्ली जो है कहां का है बताइए?
पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चंस हर बार आपका जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस का आंसर ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल देखो यहाँ पर हम तो आपको कंटिन्यू पढ़ाते हैं, अब कुछ होमवर्क करने के लिए देंगे, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ईजी क्वेश्चंस है इसलिए ये क्वेश्चंस हमने आपको करने के लिए दिया है। देखते हैं आप यहाँ पे कितना पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी हो पाई है आपकी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक के बारे में, यहाँ पे सही कथन को चूज करना। रेगिस्तानी ओक क्या है? रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके जो है ये पेड़ जो है आपके रेगिस्तान स्थान पे होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं बहुत गर्मी होती है और पानी की व्यवस्था जो है आपकी इतनी नहीं होती। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में हमें सही कथन चूज करना है। बिल्कुल ऐसे ही 4 ऑप्शन है और नीचे कुछ आपको असेसमेंट दिए हैं, फिर इसमें से चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट है। तो चलो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये जो है आपका यहाँ पर सही बात है। जो रेगिस्तानी ओक है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, ए जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो बी ऑप्शन देखते हैं। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। तो पहले तो मैं बता दूँ कि रेगिस्तानी जो ओक है इस पेड़ की जड़ें जो है कभी भी बाहर टहनियों से नहीं लटकती, बल्कि ये जो है ये क्या करती है, ये जड़ से है ना, जड़ से जो है नीचे जाके और जमीन के जड़ में जो है ये आपका पेड़ जो है यहाँ पे जमीन के ठीक है नीचे जा करके और वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था करता है। तो ये जो रेगिस्तानी ओक है ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है, लेकिन इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती बल्कि जड़ में नीचे होती है और जड़ में जो है नीचे काफ़ी जो है दूर तक फैल कर ये क्या करती है पानी की व्यवस्था करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो रेगिस्तानी स्थान होते हैं वहाँ पर जो है आपकी ज़मीन पे ऊपर पानी क्या होता है कम मात्रा में होता है, वहाँ पे जो है पानी की इतनी व्यवस्था नहीं होती। तो ये जो पेड़ होता है अपनी पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे जो रेगिस्तानी ओक है ना, इस पेड़ की जड़ें जो है ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुँच जाए। बिल्कुल देखो ये सही होगा, बी ऑप्शन कट हो गए, टहनियों से नहीं लटकती, ये नीचे जड़ में पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हुआ कट हुआ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। सी ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि इस पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन से उस गहराई तक ये जाती हैं जब तक कि पानी तक ये नहीं पहुंच जाए, जब तक ये पानी तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये बढ़ती रहती है आपकी जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती है। तो ये बताओ जब नीचे होंगी जमीन में तो ये टहनियों पर कैसे आ जाएंगे, कॉमन सेंस लगाइए। तो बिल्कुल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतली पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओक है यहाँ पे कितना फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है कि वहाँ पे रेगिस्तानी में जो है आप भी जानते होंगे कि वहाँ पे पानी वानी की कमी रहती है, तो ये देखो यहाँ पे जो है क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो है लोगों को भी है ना, लोगों को भी जो है पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसकी जो जड़ी होती है ना, सबसे मेन तो पॉइंट्स यही है कि तब तक ये बढ़ती रहती है, तब तक ये जो है आपस में इधर उधर फैलती रहती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हुआ। तो डी बी ऑप्शन से यहां पर जो है सही होगा, यानी कि ए सी और डी, देखो ए सी और डी, सो यहां पे बी ऑप्शन सही होगा, ए और सी और डी, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो है आप फटाफट यहां पर इसको नोट डाउन कीजिए। चलो आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अबू धाबी के विषय में सही कथन को चूज करना है। अबू धाबी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये भी, अबू धाबी के बारे में जो है सही कथन चूज करना है। तो यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही बात है। जो अबू धाबी है ये कहां पर है, ये भी रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, जो अबू धाबी है ना यहां पर जो पानी मिलता है पेट्रोल से महंगा। देखो जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में पानी तो सही है ना, लेकिन यहां पर क्या है हमारे इंडिया में पेट्रोल जो है काफी महंगा मिलता है। अगर हम यहीं पर अबू धाबी की बात करते हैं तो यहां पर पानी पेट्रोल से भी महंगा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में है और आप सब जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी रहती है। तो इसलिए ए भी यहां पर सही होगा ऑप्शंस, एंड बी भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से देखो, यहां की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही बात है। यहां की जो स्थानीय भाषा है, यहां के लोगों की जो स्थानीय भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या है, अरबी है। क्या है, अरबी है। पॉइंट्स याद रखना है, सी भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात आती है डी ऑप्शन से सही है कि नहीं। देखो अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार नहीं कहते हैं, क्या दिनार यहाँ पर नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं।
क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। यहाँ पर देख लो क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। सो यहाँ पे इसलिए कट हो गया, जो अबू धाबी की मुद्रा है ना यानी कि रुपया, उसको दिनार नहीं कहते हैं, ये क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। अब देखो ए बी और सी सही है तो मैच कीजिए, मैच कीजिए। डी हो गया, डी हो गया, कट करो। बिल्कुल डी ऑप्शन से सही होगा, डी जो ऑप्शन से बिल्कुल सही। क्यों सही होगा, क्योंकि ए बी और सी में क्या है, तीनों सही है, लेकिन डी ऑप्शन में यहाँ पे जो है इसकी मुद्रा को दिनार नहीं कहते हैं बल्कि दिरहम कहते हैं। बस यही पॉइंट्स क्या था, रॉन्ग था। बताइए आज तो यहाँ पे काफ़ी लेंदी लेंदी और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो, और ये क्वेश्चन आपका कल भी हुआ था, और देखो वैसे कह सकते हैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, लेकिन भाई देखो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे लेंथी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकते हैं, है ना। आपसे जो है इजी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें जो है सारे ही MCQs पढ़ने, कभी आप ये मत करना कि जो है हार्ड लेवल तो आपने काफ़ी पढ़ लिया लेकिन ईजी लेवल आप नहीं पढ़ पाए, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं और फिर एग्ज़ाम्स में क्या हुआ कि देखो वहाँ पे लेंथी हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था वो तो नहीं आया लेकिन जो छोड़ के गए थे वो आ, क्योंकि कभी कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाता है। चलो, कुछ जानवर रात में जाते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। बिल्कुल कल भी बताया था, ये जो है ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। जैसे कि क्या होता है, उल्लू होता है, उल्लू जो है अक्सर रात में ही जाता है, तो इसको जो सारी वस्तु दिखाई देती है वो ब्लैक एंड वाइट रंग में ही दिखाई देती है। नेक्स्ट, मृत सागर क्या है, मृत जो सागर है वो क्या है, मृत सागर किसे कहते हैं, जो नमकीन होता है, जिसमें लवणता अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, नहीं गलत हुआ, ऐसा सागर जो सभी महासागरों में सागरों से ज़्यादा नमकीन है, बिल्कुल ये सही है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं, बल्कि मृत सागर हम उसको कहते हैं जिसमें कि काफ़ी लवणता की क्या होती है, यहाँ पे मात्रा अधिक होती है, और ऐसा जो सागर होता है जो सभी महासागरों में सागरों से, जो भी जितने भी महासागर और सागर वो उन सभी महासागरों और सागरों से क्या है, ज़्यादा नमकीन होता है, उसमें लवणता ज़्यादा होती है, लवणता की मात्रा ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, मैग्नीशियम भी बहुत होता है, ब्रोमीन भी बहुत होता है इसमें, और ये जो मृत सागर है ना, ये आपका नीचे, ये जो है आपका नीचे 400 मीटर, ये जो है आपका नीचे 400 मीटर तक, जहाँ तक हम कह सकते हैं कि आपकी जो है धरती के नीचे जो एंड पॉइंट है, पृथ्वी की जो यहाँ पे धरती के नीचे एंड पॉइंट है, वहाँ तक जो है ये आपका मृत सागर फैला हुआ है नीचे 400 मीटर तक, जहाँ तक कि हम इसका एंड पॉइंट कहते हैं धरती के नीचे जो है। सो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या है, इसमें ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है, और हाँ एक और ख़ास बात है इसकी, वो क्या है, देखो खास कह लो या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक और पॉइंट है इसके लिए, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी मछली जीवित नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ब्रोमीन पाया जाता है, और यहाँ पे जो है घनत्व इसका बहुत अधिक होता है, क्या होता है, घनत्व भी इसका बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जो मछली है ना वो जीवित नहीं रहती, और यहाँ पे जो है मछली भी नहीं रह पाती, और ना ही जो है वो यहाँ पे है। सो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन से काफी इंपोर्टेंट है, बढ़ते चलो और भी यहां पे जो है करते चलो। देखो, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आत्मीय सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आत्मीय, देखो कक्षा 3 के, कक्षा 3 के किसके भाई, कक्षा जो 3 के यहाँ पर स्टूडेंट्स है, कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को आज क्या पढ़ाया जा रहा है, आज जो है भोजन का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाते समय जो अंजलि है भोजन संबंधित आत्मीय सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है इन अधिगम अवसरों में किसके द्वारा हम स्टूडेंट्स को वांछित जानकारी दे सकते हैं या फिर दी जा सकती है, और नीचे ऑप्शन है। तो अगर हम जो है एक बेहतरीन टीचर होकर, है ना, एक बेहतरीन टीचर होने के नाते अगर हम अपने स्टूडेंट्स को भोजन का यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हमें उन बच्चों को, हमें अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना होगा जिससे कि सही तरीके से जो सारे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे से जो है चीज़ों को भी सीख जाए और बढ़िया रुचि मिले और वो जो है भोजन के बारे में सारे पॉइंट्स को क्लियर भी कर ले। तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके इसीलिए देगा,
गए हैं। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का और उसकी व्याख्या करना। बिल्कुल, मैंने कहा था कि देखो कक्षा थर्ड के छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब यहाँ पे खाद्य पदार्थ के बारे में, भोजन के बारे में तो काफ़ी लेंथी आप उन्हें व्याख्यान दे दो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इतना छोटे बच्चे में क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो अभी जो है इतने बड़े बड़े व्याख्यानों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा? आप कहेंगे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। चलो देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी को और विस्तृत, फिर से विस्तृत व्याख्या वही हुआ तो कट करो उसको, फिर से वही बात कह दी कि विस्तृत व्याख्या करो, नहीं भाई हमें विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है, इतने छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें खोज के माध्यम से और खुद वे एक्टिविटीज़ करेंगे, खुद करके देखेंगे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे हम जो है उसको बनाएंगे तब यहाँ पे होगा। फिर कह दिया किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के भोजन को प्रदर्शित, या फिर हम किसी बाहर से कोई यहाँ पे व्यवसायिक जो एजेंसी है उसको स्पेशल बुलाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे आप जो है इन बच्चों को क्यों भाई, उनका क्या मीन्स, उनका क्या मतलब हुआ, नहीं ये क्या हुआ, गलत हुआ। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही आंसर क्यों होगा, देखो अगर हम भोजन का पाठ पढ़ाते समय यहाँ पे है ना इसके बारे में हम यहाँ पे जो है बच्चों को सही तरीके से समझाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के विद्यार्थियों से उनके घरों में, अब बच्चा देखो बिना भोजन के तो नहीं रहता ना बिना, आप कहेंगे नहीं मैम बिल्कुल नहीं रहता, सभी बच्चे जो है भोजन करते हैं और अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स शाकाहारी ही भोजन करते हैं, तो उनके बारे में हम सही से एक्सप्रेशन एंड हम बिल्कुल उसके रियल जो है जो उसकी रियल वास्तविक जो यहाँ पे है जो उसका वास्तविक भोजन है उससे ही कनेक्टेड कराने की कोशिश करेंगे। जो अपने घरों में खाते हैं वो भोजन उसको मंगाकर प्रदर्शित करेंगे और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और इस माध्यम से हम सिखाएंगे। हमने कहा कि बेटा आप जो है यहाँ पे जो भी अपने घर में खाद्य पदार्थ खाते हो बताइए उन्हें और उन्हें मंगाकर है ना आलू हुआ या फिर आपकी हरी सब्जी जितनी भी होगी या फिर यहाँ पे जो है कुछ बच्चे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे वो जो है यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं तो सभी प्रकार के भोजन की ठीक है हम यहाँ पे चर्चा उन्हें उनके रियल लाइफ से जोड़ते हुए ही बताएंगे। तो सही हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल अपने आप में ये क्या होगा 100% करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट यहाँ पे जो सेशन है ना बहुत ही बेहतरीन सेशन है, चलो इसको देखते हैं। देखो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। कक्षा 5 ध्यान दो, कक्षा क्या, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण क्या है, प्रदूषण टॉपिक है, क्या प्रदूषण क्या है टॉपिक है, तो प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहते हैं वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। नीचे दिए गए जो भी यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, सबसे बढ़िया इफेक्ट कौन सा ऑप्शन से डाल सकता है बच्चे के जो है समझने के उद्देश्य के थ्रू प्रदूषण के बारे में। तो देखो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, तो पहले तो आप बताएं कि भाई स्टूडेंट्स इतना परिपक्व है कि उसे प्रदूषण के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन वो खुद ही आपको बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े चार्ट बना के दे देगा, नहीं क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। बच्चा इतना परिपक्व नहीं है, 5 क्लास का ही तो है, वो भी तुम्हें प्रदूषण के ऊपर यहाँ पे चार्ट बना के नहीं दे सकता और वैसे भी अगर दे भी दिया तो सही से एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी उस चीज़ को सही तरीके से उसने नहीं सीखा है, तो क्या होगा, गलत होगा। चलो आगे अगर देखें यहाँ पे, देखो बी ऑप्शंस की बात करें, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, भाई ये क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। अब ये थोड़ा ही ना कह सकते कि हाँ सिर्फ और सिर्फ कोई प्रदूषित नदी होगी, नहीं कोई क्षेत्र है जो प्रदूषण, देखो जो प्रदूषण है वो तो आपका जो है किसी भी प्लेस पर हो जाता है, किसी भी प्लेस पे हो जाता है बिल्कुल, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नदी ही क्या है प्रदूषित है। देखो कोई जो है जो सिटी क्या होती है, जो सिटी वगैरह होती है और उसके आसपास में जो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी होती है वो भी बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, और अक्सर आपने देखा जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, तो वो कोई नदी थोड़ा ही ना है। और हाँ वहाँ पे जो है अगर बात करें हम किसकी, यमुना नदी की, तो वो देखो कितनी प्रदूषित है, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उस भ्रमण पर नहीं लेके जाएंगे कि जो कोई नदी यहाँ पे प्रदूषित है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं सिद्ध हो पाएगा।
या फिर किसी भी सिग्गी को नियंत्रित करके वायु जल ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देंगे, भाषण फिर लेक्चर फिर वह क्या नहीं, भाषण नहीं देना है सही क्या? फिर क्या करेंगे हम? देखो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना और समूह बनाकर चीज़ों को कनेक्टेड करेंगे। अगर हम प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स को कहो कि भाई समूह बनाइए और समूह के माध्यम से जो है परियोजनाओं पर कार्य करें। लर्निंग बाई डूइंग, एक्टिविटीज़ करो, खुद खोजो और हम बताएंगे, फिर आप जो है खुद अगर करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो क्लियर हो गया होगा ना आंसर, तो यहाँ पे आंसर भाई मैं क्लियर कर देती हूँ आपका, यहाँ पे भी लिख के भी और वहाँ पे बता देती हूँ। कोई अगर त्रुटि होती है कि किसी को भी आंसर सही से यहाँ पे जो है नहीं पता चलता कि आंसर मैंने क्या बताया, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं यहाँ पे भी आंसर बता देती हूँ और फिर लिख कर भी यहाँ पे आपको आंसर जो है क्लियर करती हूँ कि कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है। चलो, नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। नेहा है कक्षा 5 के, नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। क्या हस्तशिल्प क्रियाकलापों का आकलन करके गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन या फिर परियोजना कार्य मूल्यांकन, फिर मौखिक परीक्षा। तो नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो नेहा हाई क्लास 5 के EVS विषय में यहाँ पर जो है क्या करती है, नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। सो यहाँ पर जो है वो किस तरह से, किस माध्यम से सही तरीके से उन्हें करने की कोशिश जो है करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो हस्तशिल्प क्रियाकलापों का आकलन करेगी, है ना, खुद क्या करेगी एक्टिविटीज़ के थ्रू और खोज के माध्यम से बताएगी। एक मिनट रुके, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे जो है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का आकलन करेगी, यानी कि एक्टिविटीज़ करके दिखाएगी। क्या एक्टिविटीज़ करके दिखाएगी, आप लोगों को बोलेगी इस माध्यम से हम सही तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर गृह कार्य मूल्यांकन नहीं, ये इतना यहाँ पे आपका करेक्ट नहीं, परियोजना कार्य मूल्यांकन भी नहीं, और क्या मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पे फर्स्ट और जो फोर है ना, फर्स्ट और जो फोर है, ये आपका बी यहाँ पे ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर भी मैंने लिख कर आपको क्लियर कर दिया कि बीच ऑप्शन से ना वो करेक्ट होगा। यहाँ पर हम जो है मूल्यांकन तकनीक का यूज़ किस माध्यम से करेंगे, एक तो एक्टिविटीज़ के थ्रू, खोज के थ्रू, यहाँ पर इस तरह से बताएंगे हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का आकलन करके, और नेक्स्ट यहाँ पे मौखिक परीक्षा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करना, ये वाली इस तरह के अवसर यहाँ पे हम जो है देंगे, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान भी हो सके और बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन यहाँ पे किया जा सके कि हाँ कितना यहाँ पे जो है असेसमेंट हुआ है, कितना यहाँ पे सही यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ने किया है, सारी ही चीज़ों को देखेंगे इस माध्यम से हम जो है कराने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, या फिर मास्टरी लर्निंग, या फिर विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या फिर समय का सदुपयोग करना। तो EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? सो यहाँ पर हमें बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है कि क्या बेहतरीन होगा। अब देखो पुनरावृत्ति और पब्लिक, बार बार दोहराना, रटिफिकेशन की बार बार दोहरा लो, रटक की कोई भी टॉपिक्स है, और अगर यहाँ पे जो है आपसे नहीं हो रहा तो बस क्या करो, आप जो है बार बार दोहराते रहो। अगर होता है ठीक है, नहीं होता फिर भी देखेंगे, लेकिन आप खुद नहीं समझा के बताएंगे कि हाँ भाई आपको कहाँ पे त्रुटि है, हम बताएंगे नहीं, कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति करते रहो, क्या होगा, सरासर सीटेट का रोंग होगा। मास्टरी लर्निंग थोड़ा ही ना चल रही है, नहीं भाई टीचर्स पर थोड़ा ही ना मतलब टीचर्स की थोड़ा ही ना यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो समय का सदुपयोग नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही क्या हुआ, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। जब हम EVS में किसी अच्छे गृह कार्य का है ना, तो इनमें से जो है किस पर केंद्र होते हैं, तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां, यानी कि खोज के माध्यम से करो, और ये जो है यहाँ पे तर्क लगाइए आप इसमें, और उत्तेजित होकर सही से रुचि के माध्यम से, और यहाँ पे जो है मौलिकता, रचनात्मकता, ये सभी आप अपने जो है अंदर डेवलप कीजिए, यानी टीचर्स लोग करेंगे, तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो गृह कार्य का यहाँ पे जो है किसी अच्छे गृह कार्य का यही क्या होता है, एक मेन मुद्दा होता है। तो चलो फिर यहाँ पे जो है आपका जो सी ऑप्शन है ना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। टीचर्स लोग क्या देते हैं कि गृह कार्य
देखो टीचर्स लोग जो है गृह कार्य के लिए कोई वर्क देते हैं तो वो जो आपके लिए बेस होता है क्यों देते हैं, क्या रीज़न होता है उसका, रीज़न ये नहीं होता कि आप उसे बार बार दोहराओगे कि हमने ये दे दिया तो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये इतना मेन नहीं होता। तो मेन यहाँ पे फोकस किस जो है बेस पर होता है, इस बेस पर होता है कि इस चीज़ पर आप चिंतन करें और इस चीज़ में आपकी उत्तेजना जागृत हो और आप रुचि भी लें और आप जो है समझ के थ्रू इस चीज़ को करने की कोशिश करें और समझें भी। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन से जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है, नीचे दिए गए कौन सा सामान्य यहाँ पे जो है निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक। अप्रासंगिक का मतलब क्या हुआ, गलत है। क्या हुआ, गलत। एक मिनट, यहाँ पर जो है आपसे निगेटिव ऑप्शंस पूछा है, निगेटिव ऑप्शंस चूज़ करना है यहाँ से। और यहाँ पर ये निगेटिव क्वेश्चन है। शालिनी ने कक्षा 4, शालिनी क्या है, टीचर है, और कक्षा 4 के स्टूडेंट्स को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है, एक टीचर है जो, तो नीचे दी गई कौन सी सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगी। अगर ये टीचर विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए भ्रमण की तैयारी कर रही है स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें से जो है क्या नहीं करेगी वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनके लिए बेहतर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पर। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेकर जाना, या फिर बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, या फिर अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना। देखो जब एक टीचर से शालिनी अपने स्टूडेंट्स को कक्षा यहाँ पे 4 के बच्चे हैं और उनको विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है और उनको लेके भी जाती है तो इनमें से एक टीचर किस एक्टिविटीज़ को करने की यहाँ पे जो है आज्ञा नहीं देगी। तो देखो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, देखो बिल्कुल ये सही बात है। आप जो है अपने टीचर्स के साथ में जो है शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे हैं तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शंका है, कोई भी त्रुटि है मन में, कुछ भी प्रॉब्लम्स है मन में, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप जो है शालिनी मैम से पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये त्रुटि है, हम क्या लेके जाए, क्या लेके नहीं जाए, क्या लेके जाना है, और जो है किस तरह से, किस माध्यम से, किस बेस से हम जो है जा रहे हैं, क्या पूरा यहाँ पे जो है एक क्या है बेस है। तो आप जो है बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं अपनी जो है शंकाओं के, जो भी आपकी शंका है तो उस विषय में आप बिल्कुल बेझिझक होगी शालिनी मैम से पूछ सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो सही होगा। सी ऑप्शन की बात करें, बिना मुझे सूचित किए कहीं, बिल्कुल देखो जब शालिनी मैम आपको लेके जा रही है तो बिना सूचित किए आप इनको, है ना, बिना सूचित किए आप इनको कैसे जा सकते हैं कहीं भी, भाई यही तो लेके जाएंगे आगे तो यहीं चलेंगे और आपको लेके जाएंगे साथ में, फिर आप बिना इनसे सूचित किए कहीं नहीं जा सकते, ये भी सही बात है। अपने साथ पेन, और देखो जब हम विज्ञान केंद्र दिखाने और आपको शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपनी पेन, जो देखो स्टूडेंट्स के साथ में पेन बिल्कुल कंपलसरी होनी चाहिए और होती भी, और नोट पैड लेके जाना है कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसमें थोड़ा बहुत आप जो है नोट कर देना। तो क्या नहीं होना चाहिए कि अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेके जाना, ये जो है सही नहीं होगा, अपना पूरा दिन भर का बस्तर। अब हम विज्ञान केंद्र दिखाने जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि हाँ चलो संस्कृत की बुक भी, आप देखो जो पूरा आपका बैग है उसमें संस्कृत की बुक भी है और उसमें इंग्लिश की बुक है, मैथ्स भी है, तो उनका कोई इतना यहाँ पर रोल नहीं है क्योंकि हम जो है इस बेस के थ्रू लेके जा रहे हैं। तो भी यहाँ पर जो है हम बच्चों के ऊपर इतना बोझ क्यों डालें कि सारा ही बैग लेके जाओ, ये जो है सही नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलो तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। देखो यहाँ पर भी क्लियर है बी ऑप्शंस क्या होगा, रॉन्ग होगा, और यही यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हाँ, आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस थे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आज आपके काफ़ी लंदी थे और समझाया भी थोड़ा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है आज, इसलिए मैंने थोड़े एमसीक्यूज़ जो है दो यहाँ पे कम कर दिए क्योंकि लंदी क्वेश्चंस थे, और फिर अगर वो भी मैं लेके आती तो फिर आपकी जो है यहाँ पे वीडियोज़ और लेंदी हो जाती। तो मैंने सोचा कि नहीं बस 30 मिनट्स ही रखते हैं, तो आज मैंने इसमें 30 एमसीक्यूज़ जो है आपके रखे थे। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, अगर बाकी आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप जो है प्लीज़ सभी एग्जामिनेशन हब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेहतरीन तरीके से मेरे साथ में, मैं जो शिवानी सिंह हूँ यहाँ पे, बेहतरीन तरीके से एंजॉय के साथ में फुल मस्ती। देखो मैं टीचर्स के थ्रू नहीं पढ़ा रही, आप मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हैं या फिर आप मुझे अपनी अच्छी दोस्त मान सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह और आपकी जो है यहाँ पे भाई अच्छी तरीके से जो है आपको एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एक बुक की लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज में और आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप जो है फटाफट जो है सभी सब्सक्राइब कर लो, और चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।
टेक केयर।